Okay, now we will continue this chapter again. Okay, so now we, in this video we are going to see where we have to use VES, the words which ends with F or FE, यानी जो word F और FE पे खत्म होते हैं उन place पे हमें ये जो F और FE होता है ये दोनों को हटा देना होता है. जैसे लाइफ, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, लाइफ, और ये जो एफ ई होता है उसे हम इरेज कर देते हैं. समझ में आ रहा है? सो इन प्लेस ऑफ एफ एंड एफ ई, जैसे हमने वो ई एस वाला सीखा तब हमने उसमें कोई भी वर्ड को कट नहीं किया था, जो है उसी में हमने ई एस एड किया था. बट वेन वी आर यूजिंग वी ई एस और मैं दैट टाइम ना, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, वी हैव टू रिमूव दिस एफ एंड एफ ई. हमें उस वर्ड में से एफ और एफ ई को निकाल देना पड़ता है. समझ में आ रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? व्हेन वी आर एडिंग एस एंड ई एस, वी आर नॉट रबिंग एनी अल्फाबेट फ्रॉम दैट वर्ड. ओके, हम एस और ई एस जब ऐड करते हैं किसी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए, तब हम उन वर्ड में से कोई भी वर्ड को हटाते नहीं हैं. बट व्हेन वी आर यूजिंग वी ई एस एंड व्हेन वी आर यूजिंग दैट, व्हेन द वर्ड एंड विद एफ एंड एफ ई, सिर्फ एफ और एफ ई से जो वर्ड ख़त्म होते हैं उसी में हम ऐड करते हैं उसकी जगह पे वी ई एस. पर वी ई एस ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इरेज द अल्फाबेट एफ एंड एफ ई फ्रॉम दैट वर्ड. अंडरस्टूड? हमें उसमें से एफ और एफ ई को हटा देना है. जैसे एल आई एफ ई लाइफ है, तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, एल आई वी ई एस. सो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव रिमूव्ड एफ ई फ्रॉम दिस वर्ड. यस ना, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मीन्स when we are adding VES, we have to remove F or FE from that word. Understood? Then WIFEY. When I want to change the wife word from singular to plural, wives. So what I will do? I will remove FE from that word and in place of FE, I will write VES, wives. So singular form of this word wife, plural form of this word wives. In this I have removed FE when I am writing that word for plural. Understood? So whenever we are writing, we were using this word VES.